in each of the following cases determine the direction cosines of the normal to the plane and distance from the origin. तो देखो प्लेन सारे किस फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, आईजे के नहीं है ना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखे. तो वो कह रहा है नॉर्मल फॉर्म, वो कह रहा है डिस्टेंस निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो नॉर्मल के. तो आपको सेकंड फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड फॉर्मूला जो आज लिखवाया वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी. डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा प्लेन का ऑरिजिन से, पर कब, जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एल एम एन होंगे. एल एम एन का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है, अगर वो नहीं है तो बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, जेड इज इक्वल टू टू, तो ये नॉर्मल फॉर्म में ही है. क्यों, इसमें देखो एल क्या है, जीरो, एम क्या है, जीरो, और एन क्या है, वन, ये जेड है ना, एन मतलब जेड का कोएफिशिएंट. तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म. और नॉर्मल फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट लिखा होगा वो प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होंगे वो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होंगे. नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन में प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते, प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक्चुअली वो एक ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, कैसे पता चलता है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को इन मैग्नीट्यूड को डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, जीरो प्लस जीरो प्लस वन, वन ही तो बन रहा है, वन डिवाइड में यही रहेगा. तो ये अभी नॉर्मल फॉर्म में ही है. तो हमसे पूछा क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकालना और डिस्टेंस निकालना और इससे, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे बताओ, जीरो जीरो वन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज टू. अच्छा, इसका बी पार्ट बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. नॉर्मल फॉर्म में होगी जब इनके कोफिशियंट का स्क्वायर वन होगा. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बनाना पड़ेगा कब, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. तो यहाँ पे ये ए बी सी है, तो यहाँ पे रूट ऑफ वन प्लस वन प्लस वन यानी रूट थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा. तो बोलो क्या आएगा, वन बाय रूट थ्री एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री वाई प्लस वन बाय रूट थ्री जेड इज इक्वल टू वन बाई, पूरी इक्वेशन को रूट थ्री डिवाइड करें. अब ये नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि आप ऐड करके देखो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या वन, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ ये जो प्लेन है क्वेश्चन में उसकी कार्टेशियन इक्वेशन ये है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, वन बाय रूट थ्री. समझ में आ रहा है, अब जिससे पूछूंगा बताएगा. ठीक है, सी ऐसे कर लोगे, सी वाला कर लोगे, किससे डिवाइड करो सबसे पहले बताओ, नो जाते हाँ फोर्टीन रूट फोर्टीन, रूट फोर्टीन से डिवाइड करेंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे प्लेन के, टू बाय रूट फोर्टीन, थ्री बाय रूट फोर्टीन और माइनस वन बाय रूट फोर्टीन, और इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर फाइव बाय रूट. ठीक है, अब डी वाला पार्ट देखो, फाइव वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो पहले एक्स अनरूट एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है, ए जीरो है, बी ट्वेंटी फाइव है, सी जीरो है, यानी फाइव से डिवाइड करो, सबसे पहले डिवाइड करो फाइव से, तो वाई प्लस एट बाई फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एट बाई फाइव, पर यहाँ पर कभी माइनस हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको माइनस यहाँ पे लाना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा,
इक्वेशन ये आती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि माइनस नहीं हो सकता, इसके अंदर माइनस अगर है तो उसको इधर लाओ, तो इधर लाओ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एट बाई फाइव। अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, जीरो माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो, समझ में आ रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट बाई फाइव, एट बाई फाइव यूनिट, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। बोलो क्या चल रहा है, शुरू जो उदाहरण जीरो जीरो वन क्या चाहे। देखो अगर आपका एक्स वाई जेड के कोफिशियंट के स्क्वायर का सम वन हो रहा है तो वो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और अगर कोई नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है तो उस प्लेन में जो राइट साइड में है वो उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बसलते वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो माइनस है तो वो माइनस आप इधर ले आओ, यानी इनटू कर दो पूरे को। तो ये वाला इसमें आपको बताना था, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन जरूरी नहीं कि एक्स वाई की टर्म भी लिखी हो, नहीं होती। तो जेड इज इक्वल टू टू, इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज रिटन इन नॉर्मल फॉर्म। ये कैसे पता चला, इसमें एक्स नहीं है वाई नहीं है, यानी वो दोनों जीरो जीरो हो गए, एल और एम, एन की जगह वन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन आ रहा नहीं आ रहा, एन तो टू है, जेड टू है, जेड कहाँ टू है, ऊपर लिखा है, उसका कोफिशियंट होता है सी ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए होता है एक्स का कोफिशियंट, बी होता है वाई का, दोनों जीरो, और सी होता जेड का, कितना वन, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा वन, तो वन से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो भी जीरो जीरो वन है और डायरेक्शन कोसाइन भी जीरो जीरो वन है। तो ये किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में नहीं हो गई, तो इस फॉर्म में अगर हो गई तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, जीरो जीरो वन, और डिस्टेंस ओरिजिन से हो गया टू। ये नहीं था क्योंकि इसमें अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर रहे हो तो रूट थ्री आ रहा है, वन आना चाहिए, तो क्या करा रूट थ्री डिवाइड कर देते, अब मैग्नीट्यूड लेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तभी तो नॉर्मल फॉर्म में आएगा। अभी अब करके देखो, अब इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, आ रहा ना, तो इस फॉर्म में अगर है तो इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम वन आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन, नहीं है तो बना लेते हैं उसके स्क्वायर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और डिवाइड करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला, वन बाय रूट टू, ऐसे ही डिस्टेंस।